वेलकम बैक दोस्तों। आज के ट्रेड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैसे हमने आज की ट्रेड ली थी और क्या सिचुएशन हमारी ट्रेड की बन रही थी, कौन सी ट्रेड ली थी, कितने के प्राइस का था, वो सब हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। उससे पहले हम देख लेते हैं कल मार्केट, जब हम देख रहे थे कि शाम को कहाँ पे थे। देखिए मार्केट एक नैरो रेंज में चल रही थी और वो रेंज अराउंड ये चल रही थी काफ़ी टाइम से। और ये रेंज मैं, अगर आप इसको जूम करके देखेंगे, अगर आप लेके जाते हैं यहाँ पे 4 घंटे के चार्ट पे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये वाली जो रेंज है वो आज से नहीं, ये करीबन एक हफ्ते से इसी रेंज में मार्केट घूम रही थी। ये रेंज है वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये करीबन 1000 पॉइंट की रेंज थी और एक हफ्ते से मार्केट इसी रेंज में घूम रही थी। हमने डिस्कशन किया था अगर मार्केट यहाँ पे एक पैटर्न को फॉलो कर रही थी, जैसा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, अप डाउन अप डाउन, जब भी ये ऊपर जाती है तो नीचे को टच करती है और नीचे जाती तो ऊपर टच करते हैं। तो डिस्कशन ये हुआ था या तो मार्केट यहाँ पे जाके इसको रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक करके और इसको इस तरह तोड़ेगी, अगर इसने इसको नहीं तोड़ा तो मार्केट को जाहिर सी बात है कि इसको तोड़ना था। ठीक है, अब मार्केट ने क्या हुआ, एक सडनली कल ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट आया नीचे की तरफ। तो मेरी प्लानिंग थी कि जब भी ये 19500 को तोड़ेगा तो मैं एक बेरिश ट्रेड लूंगा, बट मैं इसको कैप्चर नहीं कर पाया। जब तक तो मेरे को पता चला कि इसने, मेरे को मोबाइल से पता चला अलर्ट के बारे में इसने तोड़ा, तब तक काफ़ी ज़्यादा मार्केट यहाँ पे 19,000 पे आ गया था। और मेरा यहाँ पे टारगेट ही था, यहाँ पे मुझे ट्रेड लेनी थी 19500 को ब्रेक होने पे, और 19,000 का मुझे एक अपना टारगेट रखना था। बट जब तक मैंने इस चीज़ को कैप्चर किया, जब तक कि 19,000 आ चुका था, तो कोई बात नहीं, मेरे से एक ट्रेड छूट गया था। तो उसके बाद मैंने मॉर्निंग में डिसीजन लिया कि एक ट्रेड हम मॉर्निंग में लेंगे, नाइट में हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो मॉर्निंग के ट्रेड के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे चेक किया कि मार्केट, जब मैं मॉर्निंग में उठा तो मार्केट यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा था, आसपास यहाँ पे कहीं आसपास ट्रेड कर रहा था। तो एक चीज़ मेरे को यहाँ पे सिंपल समझ में आ गई थी कि या तो यहाँ से मार्केट इतना गिरी है, एक रेजिस्टेंस जरूर करेगा, उसके बाद ये कंटिन्यू फॉल कर सकता है। बट हुआ क्या, इसने रेजिस्टेंस फेस किया, अब ये यहीं पे एक साइडवेज मार्केट हो गया, सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेने का मतलब है कि अब मार्केट यहाँ पे भी एक रेंज बना देगा अपनी, और उस रेंज को जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम ये नहीं सोच सकते कि मार्केट बुलिश हो गया है। ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं है कि मार्केट अभी बुलिश है, मार्केट अभी भी बैरिश ही है। हो सकता है ये 18,000 को टच करके और भी नीचे आए, ठीक है, और हो सकता है कि यहाँ से ही ये सपोर्ट लेके ऊपर जाए, लेकिन इसको जो भी करना है यहाँ पे, लेकिन इसको अपने थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, और अभी ये वही काम कर रहा है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, चलिए मैं, हमने आपकी रात की ट्रेड कैसी थी, मेरी कैसी रही, कब ली मैंने। तो मार्केट कहीं, जब मॉर्निंग में मैं उठा तो मैंने आज जो ट्रेड ली थी वो काफ़ी लेट ली थी, रात में मैं ट्रेड ले नहीं पाया था। ऑर्डर हिस्ट्री में हम चेक करते हैं, देखिए ऑर्डर हिस्ट्री में अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे जो मेरी ट्रेड बननी थी, मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट कर रहा था करीबन 6:51 से ट्राई किया था। मैंने पहले 19300 को शॉर्ट आउट, सेल आउट करना पड़ा, 19300 की कॉल को सेल कर रहा था 6:51 पे, अराउंड 7 बजे लगभग। तो हम यहाँ पे अगर देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे अगर डालते हैं, तो 7 बज रहे थे अराउंड यहाँ पे कहीं, यहाँ पे मार्केट थी। मैं यहाँ से शॉर्ट करने की सोच रहा था, देखिए यहाँ पे मार्केट थी, मैं यहाँ से शॉर्ट करने की सोच रहा था 19300 यहाँ था, और मेरे अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छा गैप मुझे फील करके मिल रहा था 500 पॉइंट का। बट मैं इसको शॉर्ट नहीं कर पाया क्योंकि मैंने यहाँ पे जो प्राइस डाला था अपना 23 रुपये का, और उस टाइम मार्केट प्राइस चला था 19 रुपये, वो मेरे को नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक इथेरियम भी शॉर्ट करना चाहा 5 रुपये 20 पैसे पे, वो भी मेरे को नहीं मिला। इसकी वजह से मुझे ये ट्रेड और अपनी ये ट्रेड भी कैंसिल करनी, देन मैंने 19300 दोबारा डालनी चाहिए थी 32 रुपये पे, वो भी नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे मैं डाल के सो गया था कि मैं देखता हूँ क्या पता मे भी फील हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन लास्ट पोजिशन पे जाके मुझे 19100 की कॉल मेरे को बाय करनी, शॉर्ट करनी पड़ी 9 बजे। आप देखेंगे तो 9 बजे जो मार्केट थी अराउंड, वो आपकी चल रही थी यहाँ पे 700 के अराउंड, मार्केट यहाँ पे चल रही थी 9 बजे 700 के अराउंड यहाँ पे मार्केट थी। उस टाइम मैंने यहाँ से 19100 को शॉर्ट मारा था इसको, और जिसका प्रीमियम मेरे को कलेक्ट हुआ था अराउंड 26 रुपये के प्राइस पे मैंने मारा था, जिसमें मुझको $67 मिले थे और 5 करोड़ की इसमें मेरी फीस भी गई थी। और इसको मारने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ अपना SL और टारगेट लगा रखे थे। SL मेरा कुछ ट्रेलिंग SL में लगाता हूँ, तो इसके अंदर इस टाइप से कुछ SL नहीं था कि जो मैं फिक्स आपको बता सकूँ अभी, लेकिन इसमें जो टारगेट था वो फिक्स था, मैंने 2 रुपये के प्राइस पर टारगेट लगा रखा था। बट मैंने यहाँ पे कैप्चर किया कि 2 बजे मार्केट अराउंड मेरा जो प्राइस था 8 रुपये के आसपास चल रहा था, तो मैंने यहाँ पे अपनी 50% क्वांटिटी 8 रुपये के प्राइस पे निकाल दी थी 1:50 पे। अगर हम देखते हैं तो हमने यहाँ कैंडल, अगर
1800 पे मार्केट थी जब हमने ली थी अपनी ट्रेड, और 2 बजे अराउंड यहाँ पे इस कैंडल पे मैंने अपनी ट्रेड निकाल दी थी। मतलब 800 के 900 के 700 के अराउंड ट्रेड ली थी, 800 100 पॉइंट ऊपर मार्केट आई थी, बट हमने कैप्चर किया था 5 घंटे का डीके, 5 घंटे का डीके जो कि मेरा 26 रुपये से घट के 8 रुपये पे आ चुका था अराउंड। मैंने 18 पॉइंट का डीके कैप्चर कर लिया था जिसमें मैंने अपनी 50% क्वांटिटी निकाली, देन जो रेस्ट मेरी क्वांटिटी बची थी मैंने 3 रुपये के रेट पे 3:10 पे ऑटोमेटिकली वो सेल आउट हो गई थी क्योंकि मैंने ऑर्डर पहले से ही लगा रखा था। 3 बजे के अराउंड देखेंगे आप तो सेम यहीं पे मार्केट थी उस टाइम भी, तो सारी क्वांटिटी कैप्चर हो गई थी। अगर आप इसका प्रॉफिट मेरा रियलाइज करेंगे तो 29 का प्रॉफिट यहाँ हुआ था, 27 का यहाँ हुआ था, तो अराउंड जो प्रॉफिट हुआ मेरे को हुआ 54 रुपीज़ के अराउंड। मैं आपको दिखा देता हूँ कैलकुलेट करके, 53.12 का प्रॉफिट हुआ जिसके अंदर मेरी फीस कटी थी 0.29 ये कटी है और 0.77 यहाँ पे कटी है, और लास्ट में जब ट्रेड हमने ली थी यहाँ पे 5.05 की फीस यहाँ पे कटी थी, तो 5.05 की फीस हम काटते तो मेरे को जो रियल टाइम का प्रॉफिट हुआ है $45, $45 का प्रॉफिट हुआ है। इनफ पे अगर एक दिन का हम NSE का अकॉर्डिंग आने यार में इसको कन्वर्ट करेंगे तो अराउंड 80 रुपीज़ के अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 3600 रुपये का प्रॉफिट है यहाँ पे, और बहुत इजी मैंने इसे कैप्चर किया, आप लोग भी कर सकते हैं। अगर किसी को जानना है मेरी ट्रेड का सेटअप कैसा है वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें किस तरह से मैं ट्रेड लेता हूँ, क्या क्या मैं इंडिकेटर यूज़ करता हूँ और क्या क्या टाइमिंग मैं यूज़ करता हूँ और क्या प्राइस पे मेरा मैं एंट्री लेता हूँ, किस प्राइस पे मुझे निकलना होता है, कितने का SL है, कितने का टारगेट मैं लगाता हूँ, मैं सारा आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को पहले बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिस दिन मेरे को ये इस पर 10 कमेंट आ जाएंगे कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अपने ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर कि किस तरह का सेटअप मैं यूज़ करता हूँ अपने ट्रेड के लिए, तो वो लोग आप भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है इसके अंदर कि 30-40 पॉइंट बनाना आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा इसमें। अगर इनिशियली अगर आप $100 भी डालेंगे, 100 डॉलर होते हैं करीबन 8 से 8.5 हज़ार रुपये, अगर 8.5 हज़ार रुपये भी इसमें डालते हैं तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप इसके अंदर मिनिमम 10 पॉइंट तो निकाल ही लेंगे, $10 मतलब अपनी कैपिटल का 10% रिटर्न आप डेली निकाल सकते हैं सेफ साइड रहकर। अगर अनसेफ साइड रह के खेलोगे तो आप 100% भी निकाल सकते हैं, बट मैं कहता हूँ अपना सेफ साइड रह के आप खेलिए और आप एटलीस्ट अगर 10% का प्रॉफिट पर डे ले रहे हैं तो इनफ है, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप बने रहिए और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब किए, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।